आज तो मिलेगी ना? शिवानी मिल जाएगी, डोंट वरी। तुम ढूंढोगे ना? हाँ, बट तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग। दैट्स ओके, आज मेरी भी रिहर्सल है। तुम एक काम करो, तुम बेडरूम के वो राइट हैंड साइड वाली वो साइड टेबल है ना, उसमें चेक कर लेना। वहाँ पे हमने चेक नहीं किया था, वहाँ पे ज़रूर होगी। ठीक है, नहीं मिली तो? शिवानी, डोंट बी नेगेटिव। फाइन। और ये बीट चल रही है सर, दिन तड़ाके चिके, तड़ाके चिके, दिन तड़ाके चिके, धमाका धमाका, दाग घनघोर, दाग बड़ा चोर, दाग, इस तरह की कुछ लाइनें हम लोग लिखेंगे। ओई माँ, 1 2 3 4, ओई माँ ओई माँ काहे को बाजार गई थी। आंटी जी मेरी तरफ देखिए, ओई माँ काहे को बाजार गई थी। और फिर हस्बैंड जो है अपनी शर्ट को देख के कहेगा, ओहो ये तो मैली हो गई, ये मेरी मीटिंग खराब करवा देगा। और फिर आपका जो प्रोडक्ट है धमाका। एक सेकंड, बुआ जी कुछ कह रही है? क्या कह रहे बुआ जी? अरे बुआ जी, जूम पे शादी करा रही हूँ, बजट तो छोटा ही होगा ना, कोई सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर नहीं है। ओके, आपका प्रोडक्ट धमाका, वो जो है चल के जा रहा है हस्बैंड जतिन। बुआ जी उइमा उइमा काहे, बुआ जी अटक क्यों गई एक स्टेप पे? जतिन, बुआ जी, जतिन, वो तेरी सारी अटक गई। अरे नहीं यार, शिट, डैम इट, ये नेटवर्क ना मेरा संगीत कबाड़ा कर देगा। बोला था मैंने नया कनेक्शन लगा लो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। और तुम थोड़ा धीरे बात नहीं कर सकते? रिहर्सल चल रही मेरी, एडवांस आ चुका है मेरा, तुम्हारा तो डिटर्जेंट अभी तक बिका भी नहीं है, है ना? शिवानी, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पिच चल रही है। अच्छा, शुरू हो गया। वैसे ड्रॉअर में ढूंढा मैंने, नहीं मिला। सो इरेस्पॉन्सिबल। व्हाट? कब से कह रही हूं मैं, हर्ष प्लीज एक डिजिटल कॉपी बना लो या अपलोड कर दो गूगल ड्राइव पे, यूट्यूब पे, लेकिन नहीं, मेरी बात तो किसी को सुनी का है। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, शाम को सुनना है ना वैसे भी। सारे ड्रॉज ढूंढ चुकी हूँ मैं, कहीं नहीं मिल रहा है, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन पहले मैं पोछा लगा लूँ, घर के काम फिनिश कर लें। पोछा? हाँ, अच्छा पोछा, ये पोछा लगाया तुमने? हाँ मैंने बहुत अच्छा पोछा लगाया। ये बहुत अच्छा पोछा लगाया तुमने? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत झड़ रहे, तुम वो बायोटिन नहीं ले रही? हश प्लीज, हर साल आज के दिन शाम को हम वो गाना सुनते आए हैं, राइट? आए हैं ना? कैन यू जस्ट फाइंड इट प्लीज? लो, मिल गया। अरे मेरी शादी का कोट यहां पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। Don't tell me, तुम कैसेट फ्रिज में तो नहीं ढूंढ रही?
यार, कैन यू हेल्प मी? छोड़ दो ना यार, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, पर वैसे भी उस गाने में रखा क्या है? और शाम को कौन सी सेलिब्रेशंस कर पाएंगे? दाल चावल ही तो खाएंगे ना। वाओ, सो गिव अप ऑन दिस आल्सो, हां सही है। व्हाट व्हाट डिड यू से? रियली यू आस्किंग मी? यस, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर द ओनली पर्सन इन दिस रूम। अस हश, it's talking about us. Shivani, just because I can't find a cassette doesn't mean that I'm giving up on us. What do you mean by that? It's not just about cassette, Harsh. Wo hamara gana tha yaar, humne saath mein banaya tha college mein, you remember? Come on yaar, the only living proof we had that connected us to our dreams, that was the us I was talking about. खैर, ना तो वो असर है और बाकी सब तो वैसे भी शेयर खाओगे। कितनी बार पापा से पैसे मांगते हैं, इसीलिए तो जॉब लेनी पड़ी। एंड वी हैड अ चैट अबाउट दैट, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, जॉब ले ली, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो जॉब भी सब कुछ बन गया ना हर्ष। ये तो लॉकडाउन है, इसलिए तुम मेरे साथ रह रहे हो, राइट? तो साथ रह के भी क्या कर रहे हैं शिवानी, लड़ी तो रहे। एक तो ऊपर से ये लॉकडाउन इतना डिप्रेसिंग, और फिर ये लॉकडाउन तुम्हारे साथ, डबल डिप्रेसिंग। हमें आदत ही नहीं रही है एक दूसरे के साथ रहे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बल्कि मुझे तो लगता है अभी जो तुमने कहा ना, ये अब तक का मेरा बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट रहा है। शिवानी, आई एम शिवानी, डोंट टेक इट लिटरली। नो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ बच्चा चाहती नहीं हूँ, क्योंकि तुम ना हमेशा जिम्मेदारियों से भागते आए। तुम यार हर झगड़े में मुझ पर चढ़ क्यों जाती हो यार? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या या प्लीज। वेयर इज द फन एलिमेंट इन आवर रिलेशनशिप? इसीलिए तो मैं बाहर रहता हूं। अच्छा, और बाहर मैं किस लिए जाता हूं? काम करने के लिए। मैंने पियानो खरीदा था बिकॉज आई थॉट मैं अपनी कॉम्पोजिशन बनाऊंगा, मेरे अपने रिकॉर्ड होंगे, पर मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं जिंगल्स ही तो बेच रहा हूं ना। तो मैं क्या कर रही हूं, शादियां ही करवा रही हूं ना, मुझे क्या मजा आ रहा है? गाना लिखना चाहती थी मैं अपना खुद का। आई डोंट लाइक इट व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ अस, एंड आई नो वेयर दिस आर्गुमेंट इज गोइंग। इट्स जस्ट यू नो एवरीथिंग हर्ष, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमसे मुझे कैसे की उम्मीद करनी नहीं चाहिए, ऐसे इंसान से कैसे की क्या उम्मीद करूं जिससे मैं तो बच्चा भी उम्मीद नहीं कर सकती। शिवानी, जो तुम चाहती हो और जो हम थे ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो हम थे वो थे, अब गुम गए, अब वो नहीं है। और अभी ना मैं ये कैसेट तो ढूंढ के रहूंगा तुम्हारे लिए। होगा ना, जाएगा काम। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी हियर ओनली। इट्स जस्ट भाड़ में गया वो कैसेट। मैं एक नई कॉम्पोजिशन बनाता हूं। साधो सो गए, पता ही नहीं चला।
नींद आई पता ही नहीं चला, यहीं हॉल रूम में सो गए। कपड़े भी नहीं बदले थे हमने। महकते ख्वाब थे आंखों का काजल, महकते ख्वाब थे आंखों का काजल, उन्हें अब फिर बहाया जा रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल, ये तुमने कब लिखा? तभी लिखा था, लेकिन तब तुमने इंक्लूड नहीं किया था। क्यों? तुम्हें तब ये बहुत ओवर सेंटिमेंटल लगा था। We are recording the song on 22nd August 2006, written by Shivani. Sung and composed by Harsh. तुम गाओगे ना? नहीं तुम गाओ, record हो रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. मेरा ये दिल खुशी अपना रहा है, मेरा ये दिल खुशी अपना रहा है, मेरा ये दिल खुशी अपना रहा है, मगर हर गम मुझे समझा रहा है, मगर हर गम समझा रहा है। शहर सुनसान, राहें बेजुबान हैं, शहर सुनसान, राहें बेजुबान हैं, शहर सुनसान, राहें बे उजाले पर अंधेरा छा रहा है, उजाले पर अंधेरा छा रहा है, मेरा ये दिल खुशी अपना रहा है, महकते ख्वाब थे आँखों का काजल, महकते ख्वाब थे आँखों का काजल, महकते ख्वाब थे आँखों का काजल, अब फिर बहाया जा रहा है, उन्हें अब फिर बहाया जा रहा है। I hope you enjoyed this flick. और अगले वेंसडे एक और नई फिल्म आएगी. So don't forget to subscribe to our YouTube channel, The Zoom Studios. और Twitter, Facebook और Instagram पे जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसका हैंडल है @TheZoomStudios. So be cautious, be safe, and be awesome. Be awesome.